नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें कि YouTube पर अगर आप GNN न्यूज देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि हर खबर से आप रह सकें अपडेट। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, जहां पर GNN न्यूज के पत्रकार कर हर खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी देखिए, यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर की हैं, जहां GNN न्यूज संवाददाता इरशाद आहमीर के अनुसार कर्नाटक का हाजी नादर इलाका, जहां लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि यहां के बिजली विभाग द्वारा लापरवाही तो सभी सीमा लांग चुकी है। बिजली के खंभे आज भी लकड़ी के ही लगे हुए हैं, बिजली समय पर आती ही नहीं है। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को तो सड़क के किनारे ही लगा दिया गया है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि अगर विभाग समय पर बिजली का बिल लेता है तो परेशानियां क्यों? हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर बिजली विभाग द्वारा आखिर रोड पर क्यों लगाया गया है? हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से मासूम बच्चों को कितना खतरा? बारिश के मौसम में किस तरह करते होंगे लोग अपना बचाव? बहुत सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को सही जगह लगाने से हो सकता है। तो बिजली विभाग को क्या आपत्ति, क्या है परेशानी जो लोगों के जीवन से कर रहे हैं खिलवाड़? आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं GNN न्यूज और मैं हूं इरशाद अहमद मीर करना से। आज मैं करना के एक इलाके हाजी नाड़ में इस टाइम मौजूद हूं, जहां पर लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं गरीब लोगों को मुश्किल का सामना करना। इस टाइम हम यहाँ पे मौजूद हैं एक ट्रांसफार्मर के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी खतरे की जगह पे ये जो ट्रांसफार्मर लगाया है, यहाँ पे छोटे बच्चे गुजर रहे हैं, यहाँ पे ये रास्ता सीधा जो दूसरे इलाके में जाता है और ये ठीक लिंक रोड के ऊपर लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये नीचे लगाया हुआ है, यहाँ पे खतरा कैसे बना हुआ है। और इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ के गांव के कुछ बाशिंदे हैं जो इस मुतालिक बात करना चाहते हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम इनका नाम पूछेंगे, आप अपना नाम बताओ। निसार अहमद शेख। तो क्या क्या वजह है यहाँ पे जो ये ट्रांसफार्मर नीचे लगाया है, इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है, इधर जब से लगाया है इधर ही नीचे है। हमने बताया भी लान मेन वालों को, इधर जो पोल है ये दूसरे लोहे के लगाओ, ये लकड़ी दो, लकड़ी के दो पोल लगाए। यहाँ पे बिजली के खंभों के भी कमी है, जो उस मतलब क्या यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं, या तो यहाँ पे लोगों का एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट सब लोगों का, आप चेकअप करो। आपको ये बिजली के खंभे क्यों नहीं दिए जा रहे? पता ही नहीं है, बहुत बार इधर स्टैंड को बिजली के उनको भी बोला हमने, कोई उन्होंने आपको क्या बताया? उन्होंने बोला लगाएंगे लगाएंगे, आज तक कोई खाली इसका नहीं निकला। इधर भी देखा आपने, उधर दरवाजे भी देखा, उस साइड में भी देखा, खाली लकड़ी के पोल ये टूटे हुए लगे। इधर देखो ये ट्रांसफार्मर नीचे पड़ा हुआ है, ये ऊपर देखो दो पोल लगे हुए हैं लकड़ी के, कोई हाल ही नहीं निकल रहा है। इधर बच्चे चलते हैं, यहाँ पे बच्चे 24 खेलते हैं, यहाँ पे देखता रहता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक कैसी डेंजर जगह पे है ये लगा हुआ है? लगा हुआ है, हमने बहुत बच्चे अगर अचानक आएंगे यहाँ हाथ लगाएंगे तो वो इधर ही खत्म, क्या का पूरा माला खतरा है। अगर इसका करंट आ जाएगा पूरे माले में जाएगा ना। तो आप बिजली महकमे से क्या अपील कर रहे हैं? हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं, वो आके इसको ऊपर भी उठवाएं और इसके दो जो पोल लगते हैं वो भी लगवाएं, जो पीछे जो पोल हमारे मकान के ऊपर है उस साइड दो तीन देखा आप लोगों ने, वो उधर भी वो लकड़ी के पोल लगे हुए हैं। ये किसी टाइम भी हवा के साथ गिरने का खतरा है। ऐसे जो कल हवा आई थी रात को, उस टाइम पूरी ये लाइन नीचे पड़ी हुई थी, इस टाइम पावर चल रहा है, अभी ये गिरेगी, आवाम चलती है, इधर बच्चे चलते हैं, पूरे गांव को खतरा है इसका करंट का, ये पूरा पावर ये खींचता है अंदर। इसको फिलहाल के लिए तार बंदी कर सकते हैं। हमने उनको बोला भी, हमने उनको कई बार बोला, हम पत्थर देंगे, हम साथ रहेंगे, इसको आप नीचे उतारो, इसको हम ऊपर बेड उठा के ऊपर उठाएंगे, ये जो लकड़ी के खंभे लगाए हैं ये भी निकालो, दूसरे लगाएंगे, इसको ऊपर खतरा टल जाएगा। जब वो कोई हाल निकालते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, बस आते हैं पोल ये तार लगाते हैं निकल जाते हैं। कभी ये गिर सकता है, वो पोल देखो, वो मस्जिद के पीछे पोल है, ये कभी भी वो देखो गिरा हुआ है। देखा है यहाँ पे जो भी मतलब जिस घर के पास भी हम गए वहाँ पे हमने यही देखा है कि यहाँ पे भी है लकड़ी के खत्म, जो बिल्कुल खत्म है वो खंभे लगे हुए हैं यहाँ पे। मतलब ये गांव वालों को बहुत ही खतरा हो सकता है इसका। खतरा क्या प्रॉब्लम है सर, ये कभी भी गिर सकता है, ये देखो ना हवा के साथ अभी गिरेगा, ये प्रॉब्लम है। ऊपर पेड़ है, हवा आएगी इसके ऊपर लगी, हाइटेशन लाइन है, कोई नीचे जोग तो नहीं है ये।
और खंबे भी यहाँ पे जो लकड़ी के लगाए, लकड़ी के खंबे लगे हैं। देखो ये भी हो मस्जिद के ऊपर भी है, वो उस मकान के ऊपर है, वो पीछे है, देखो सभी के यही लगे हैं। वो जो आ रही है आंटी हमारी मासी आ रही है, इनके दरवाजे के ऊपर लकड़ी का पोल लगा हुआ है। छोटे बच्चे इधर से 24 घंटे का रास्ता है। अभी ये बच्चे हम कई बार इधर से छोटे बच्चों को हमने भगाया, कई बार हम अब मजदूर पेशा आदमी है, कहीं काम पे जाते हैं, छोटे बच्चे हैं। कल क्या मुश्किल है? मुश्किल ना मुझको पावर ना तार कुछ चीज नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मेरे नाम है तो फिर क्यों नहीं आपके आ रहे हैं? पावर शावर नहीं, पोल मैंने खुद लगाया है, ये लकड़ी का पोल लगा मैंने खुद लगाई है। उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया है मेरे को, कुछ तार एग्रीमेंट क्या 40,000 रुपया मैंने भरा है। 10 डेली हमें आती है फीस, बिल आती है, चेक करें अगर हमारा 1 रुपया भी हम डेली भरते हैं कि ये पोल नहीं लगेंगे तो फिर फायदा क्या है? कोई बच्चा मरेगा इधर? कुछ जरिया नहीं है, कमाई वाले नहीं, लड़के दो हैं तो आप रहे। मेरे नाम है, मेरे को 10,000 इस महीने में भरा है, बिल आई है, अगले दफा भी मैं बिल भरी फीस डेली, आज और आई है बिल। आप अपना नाम बताए। गुलाम हसन। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? ना पोल है, हम हर मतलब 20-30 बच्चा आप चेक कर सकते, ना पोल करे ना तार करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फीस भरते हो? आपका एग्रीमेंट है? नहीं, फॉर्म हुआ है वो। आपका एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट हर महीने में किसी का फीस नहीं भरता। तो यहाँ पे जो बिजली के जो महकमे के मुलाजिम है वो यहाँ पे आते हैं, उनको आपने कभी बोला? हाँ ना, हमने हर वक्त बोला। तो उन्होंने आगे से क्या बोला? हम बोले आज आएंगे, कल आएंगे। सर सर, एक बार इधर सर्वे करने के लिए एक बुजुर्ग आया बिजली का, वो बोलने लगा इधर आपको पोल हमने दिखाया, वो बोलने लगे लिख के लिया इधर से आपको पोल मिलेगी। आज लगभग 6 महीने हो गए, ना पोल कहीं है ना हमने उनको कहीं देखा। इधर एक है वो लाइनमैन, क्या नाम है उसका, ये वो यहाँ पे ड्यूटी पे आता है, वो बेचारा ड्यूटी पे आता है, अकेला क्या करेगा? वो ड्यूटी 24 घंटे देता है बेचारा, पावर 24 घंटे। कल परसों तार गिरी थी, उस अकेले ने इधर तार खड़ी की, हम साथ कोई नहीं है ना थे मुलाजम, और मुलाजम थे उसके साथ, पहले वो अकेला था, बाद में उसके साथ मुलाजम आए, उन्होंने खुद उधर वो लकड़ी का पोल उखाड़ के उन्होंने लगाया। जो पेड़ के साथ तार देखी आपने, पीर बाबा के पास पेड़ के साथ लगी है तार, ये पोल कहीं भी नहीं है, वो उधर रास्ते पे पड़े हैं, उधर पड़े हैं, यार उठा के दो बेचारे लगेंगे। ये देखो हाइटेशन ऊपर से जा रही है, नीचे देखो ये पावर का भंब है, ये कोई योग है? कितने मतलब किलोमीटर पावर लेता है ये? इस टाइम कोई बच्चा इधर लगेगा, अगर इसका करंट जमीन में जाएगा ये पूरा माला खत्म हो जाएगा। हाइटेशन भी है, ये भी खींचेगा, कोई बचेगा इधर? इसके इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि जो पुलिस के ये बिजली के जो बड़े अफसर हैं उन तक आप उनको बोलो, आके इधर मौके पे देखेंगे, नहीं देखेंगे फिर हम और कार्रवाई करेंगे। और क्या हमारे पास और करवाई, हम फिर उधर जाके। तो नाज़रीन आपने देखा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में जो है मुश्किलात जो गरीब लोगों को करनी ही पड़ती है। आपने यहां पे देखा कि कुछ लोगों को मतलब ये इनका ये कहना है कि हम अगर हर महीने की फीस वागुजार करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनको जो है वो बिजली के जो खम्भे वो नहीं दिए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख, मैंने पहले भी आपको यहाँ पे दिखाया कि यह जो ट्रांसफार्मर है ये बहुत ही डेंजर जगह पे है। मेरी बिजली महकमे से ये अपील रहेगी कि वो खासकर ऐसी जगहों पर ध्यान रखें क्योंकि ये यहाँ पे छोटे बच्चे 24 मतलब खेलते रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डेंजर जोन है। अगर यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा जो है वो इस हादसे में आ गया, उसका जिम्मेदार जो है वो बिजली महकमा है। और तो हमारी अपील होगी बिजली महकमे से कि ऐसे लोगों पर कुछ किया जाए। तो नाज़रीन आप देखते रहें GNN न्यूज। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज। और अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।